तो है गाइस, स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। गाइस कैसे सब लोग, होप सब लोग बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़िया रहोगे। तो गाइस अभी मैं उतर रहा हूँ सेंट्रल पे और ये मैच है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, जो कि मैं हमेशा ही करता हूँ। तो आगे क्या होगा वो तो सेंट्रल पे उतर के ही पता चलेगा। और गाइस एक बात के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा यार, अभी जल्दी मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस उम्मीद करूँगा ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों से। तो चलो अभी मैं लैंडिंग कर चुका हूँ, पूरा प्योर लैंडिंग हो चुकी है और मेरे हाथ में मिल चुकी है सबसे बकवास गन फ्री फायर की। इस टाइम पे सबसे बकवास गन यही है, तो ट्राई करते हैं इससे किसी को मार सकते हैं क्या। तो चलो देखते हैं, अभी वो चारों हमसे दूर उतर रहे तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। भाई इसका नेट चला गया लगता है, तो इसको तो आराम से फिनिश कर देते हैं हम। और वाह हेड लगाए भाई 192 का, तो बहुत अच्छा है। वैसे हेड पे भाई ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। अभी पीछे से कोई मारने लगा है तो मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ, देखते भाई कौन है महापुरुष जो पीछे से मार रहा है। तो ये एक लड़की है जो कि महादेवी है, तो इसको भी बहुत अच्छा भाई जोन से लगा और ये ख़त्म हो गई। यहाँ पे मुझे मिल चुके MP40 और भाई MP40 में यहाँ पर बहुत ही तबाही चलती है। अभी नहीं पता है तो पूरा वीडियो देख के जाना। तो सेंट्रल पे बहुत देर घूमने के बाद भी एक भी बंदा नहीं आया, तो अभी हम चलते हैं सीधा ब्राजीला। और गाइस जब तक मैं ब्राजीला जाता हूँ तब तक भाई अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिलेगा अगर बेल आइकन ऑल पे सेट कर देते हो तो। तो चलो देखते हैं, इस वीडियो को मज़ेदार बनाने की कोशिश करूँगा, बट क्या पता है ना मेरी कमेंट्री और भाई मुझे बस गेम प्ले ही करना आता है और ऐसा कोई फनी चीज़ मैं वीडियो में नहीं कर सकता, तो सॉरी यार इसके लिए। फिर भी अगर सपोर्ट करते हो तो बहुत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे भी अभी बंदे तो नहीं दिख रहे, तो आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं। ब्राजीला पे भी बहुत देर घूमने के बाद कोई बंदा नहीं दिखा, ना ही कोई बंदा आया। तो यहाँ पे गिरा चार्जिंग वाला ड्रॉप, तो मैं जाता हूँ चुपचाप इसे चार्ज करता हूँ, और अगर कोई बंदा आता तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। तो दोस्तों बस कुछ ही सेकेंड दूर हूँ ओरिजिनल मिलने से, क्योंकि मैं सेल्फ रिवाइव कर पाऊँगा, क्योंकि स्क्वाड मैच है और मैं सोलो हूँ तो मुझे कोई रिवाइव करने आएगा नहीं, तो मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर पड़ी K98, अगर आपको चलाना है तो आप आ सकते हैं इस गेम में। अभी इसकी मांग खत्म हो गई, इसकी मांग थी 2019 और 20 और 21 में शायद, क्योंकि उस टाइम पे भाई इसको किल चोरी के लिए बहुत लोग यूज करते थे, एक दो गोली में प्लेयर ख़त्म हो जाता था। तो अभी इसकी मांग खत्म हो गया, और चलो आगे गिरा है एयर ड्रॉप वेंडिंग मशीन वाला, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और सीधा इस कार खरीदता हूँ, क्योंकि इसमें मिल जाती है इस कार 2 फ्री में ही, तो मतलब दो लेवल की इस कार फ्री में मिल जाती है और एक स्कोप भी, तो क्यों ना कर दे भाई। मेरे पास पहले से ही एक चिप पड़ी है जो कि एयर ड्रॉप से मिली थी, तो स्कार 2 पे स्कार 3 बना दिया। अभी मैं जाता हूँ सीधा पुराने वाले वेटिंग मशीन पे, मतलब जो पहले से ही रहता है, और वहाँ से मेरे पास 2500 टोकन पड़े गाइस, तो मैं वहाँ से खरीदूंगा पूरा का पूरा इनहेलर, क्योंकि गाइस मेरे पास हो रहा है ना तो इनहेलर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सारे पैसे का इनहेलर खरीद लेता हूँ और बहुत फास्ट खरीदता हूँ, क्योंकि बंदे बस 28 बचे और जोन भी मतलब यहीं पर बन गया है, तो थोड़ा रिस्क है लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ रिस्क। अभी मैं इस घर में जाके बैठता हूँ, तब तक मैं देखता हूँ आगे से कोई तो दिख रहा है, तो अभी इसके लिए भी इसने मुझे देख लिया पहले से ही शायद, तो ये वोफंग बन के मेरे पास ही आ रहा है और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मार दिया। उसने ग्लूवाल नहीं लगाया, शायद लगाने की कोशिश कर रहा था बट लगा नहीं, तो उसमें तो उसकी गलती है, मैं तो मार दिया उसको खत्म हो गया ये। और गाइस यहाँ पे सामने एक बंदा दिख रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया लेकिन ग्लूवॉल ने उसको बचा लिया, लेकिन वो निकल के भाग रह गया। चलो उसको और मारते, लेकिन भाई बहुत आराम से बच गया, अंदर चला गया। इधर लेफ्ट से भी मुझे फायर दिख रहा था तो मैंने सोचा चलो इधर ही जाके देखते हैं, लेकिन भाई इधर तो पूरा खाली का खाली है। तो सामने भी ऊपर की तरफ बंदे हैं और एक और मेरे सामने से भाग रहा है, पता नहीं डर नहीं लगता इनको मुझसे, तो चलो अभी डरा दें इनको। तो ये बंदा बहुत इजीली नॉक हो गया, अभी इसको फिनिश करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये एम ही नहीं मिल रहा है, तो छोड़ो। एक और बंदा बचाने यार, और इसको देखते भाई बहुत ही आराम से नॉक होगा, बहुत बढ़िया। अभी मेरे दो नॉक उधर पड़े, तो अभी तो रस करना ही पड़ेगा, दो नॉक का सवाल है। तो अभी मैं इधर से आके आराम से, सामने भी एक बंदा है और भाई बढ़िया ग्लोअर लगी, एक किल तो मेरा चोरी हो गया लगता है, सामने दूसरी डेड बॉडी पड़ी और एक और बंदा आ रहा है। अब मुझे पीछे से हिट पड़ने लगी, लेकिन भाई मेरे पास हो रहा है नहीं, ये तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो अभी गाइस चलते हैं रस करते हैं जिसने मेरा किल चुराया, तो यहाँ पे है वो इस घर में, और इसने वो फंग की एबिलिटी ऑन कर रखी थी। अभी मैंने इसको सोनिया बना दी लेकिन ये बच गया लगता है, जैसे कि नायरी ग्लू वाले। एक और बंदा आ गया, भाई मैं बुरी तरह से भागा इधर से, मैं पहले उधर नेट फेंक के आ गया हूँ, तो देखते हैं अभी नेट का क्या फ़ायदा होता है। इधर ग्लू वाल को कैसे भी फोड़ना पड़ेगा, और भाई दोनों के दोनों मर गए, भाई दोनों के किल मुझे मिल गए अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अभी इसे घर में रुकना पड़ेगा, क्योंकि बाहर है 13 लोग सॉरी, और मुझे करना है भूया, तो क्या होगा वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। और ये घर छोड़ के गया तो भाई
दावे के साथ बोल सकता हूँ भैया तो मेरे यहाँ से चला जाएगा। तो अभी मैं बहुत तेज हो रहे हो हैं। सेफ हाउस बना के रखता हूँ, इस घर में किसी को आने नहीं दूंगा। गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ जा रही होगी तो मैं बता देता हूँ कि मैं अभी बाहर छत पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बाहर इसलिए हूँ क्योंकि अंदर भाई है एक ही रूम में सोते तो उसने कूलर चला के सो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है कूलर का, इसलिए मुझे बाहर छत पे बैठना पड़ रहा है। और लाइट तो जल रही है, अंधेरा नहीं है, बट ये कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो भाई अभी मैं जिस जगह पे बहुत ही मस्त जगह है क्योंकि जोन इधर ही है और सभी बंदे तड़प रहे इधर उधर आने के लिए यहाँ पे, और यहाँ से कोई मार रहा है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा, किसी ने उसको स्लो कर दिया भाई, कोई कैरेक्टर की एबिलिटी मुझे याद भी नहीं रहता है, मैं जो कैरेक्टर लेके खेलता हूँ वही याद है। इधर से भी कोई ओरायन बन के जा रहा है तो इसको फिनिश करते भाई, ये भी बच गया यार, सोनिया ने इसको बचा लिया। सोनिया ने तो गेम को बर्बाद करके रख दिया है जब से आ गई है, पता नहीं अगले ओबी अपडेट में अगर जाती है तो बहुत अच्छा होगा भाई, गेम प्ले बहुत बेकार हो गया है, किल्स चोरी हो रही भाई, दोस्त लोग ही किल चोरी कर रहे हैं, ये दिमित्री है ना इसकी वजह से तो और ही किल चोरी। एक और बंदा जा रहा है उसको देखते हैं भाई, कहते हैं उसे बचाने जा रहा है, इसको भी डैमेज किया बट मैं महारस नहीं कर सकता, भूया के लिए खेल रहा हूँ तो थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा। तो अभी भी मैं इसी घर में भाई, इधर मेरा ही नहीं ग्रैंड, ओ भाई इधर अपने लैंड फाइज पे जाके मैं नॉक होने वाला था लेकिन बच गया। अगर जल्दी से बैठ के इधर मेडिकेट करता हूँ क्योंकि भाई अभी मेरे पिंक्स बहुत हाई जा रहे हैं इस गेम में, और बाहर लगता है कोई है गाइस, तो हाँ इधर थोड़ा सा मुंडी दिखा और इसको ख़त्म करते हैं, ये खतरा बन जाएगा आगे चल के, तो मुझे मारना थोड़ा मुश्किल है गाइस क्योंकि मेरे पास ओरायन है और इतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से मार सकते। मैंने इसको इजीली फिनिश कर दिया, सामने इसका प्लेयर इसका दोस्त भी है, ये भी फिनिश हो गया गाइस, ये भी बहुत आराम से मर गया। तो मैं इधर जल्दी से मेडिकेट करता हूँ क्योंकि इन दोनों को तो काम तमाम हो गया बहुत आराम से, आगे नॉक पड़े तो किल उठा लेता हूँ बहुत आराम से, और ये शायद वही मेरा फल मिल रहा है जो पहले मैंने नॉक किया था उसी का फल है शायद। तो चलो अभी मैं फिर से घर में जाता हूँ, बहुत सारे बंदे आ गए, 10 लोग बच रहे हैं और बहुत तिगड़म हो रहा है यहाँ पे मुझे। चलो मेरे सामने एक और लड़की है जो कि जा रही है शायद रिवाइव करने के लिए, तो मैं इसको पहले फिनिश कर देता हूँ। अभी लग रहा है मेरे साथ जल्दी हो रहा है, ने जितने भी सोनिया बना के पहले छोड़े थे अभी सबके किल मुझे मिल रहे, तो थैंक्स गरीना। और भाई मुझे किसी ने स्लो कर दिया, पता नहीं कौन सी एबिलिटी है। मैं सीधा अंदर जाता हूँ और उधर इसको मारने की कोशिश करता हूँ, भाई हेड नहीं पकड़ता, इसका सर दिख रहा है बट हेड ही नहीं पकड़ रहा, मैंने सीधा अंदर आके रश कर दिया। स्लोगन है मेरे पास भाई ओरायन और MP40, मैंने बोला था MP40 बहुत ही अच्छी चल रही है मेरे हाथ में, तो कब तक चलेगी ये भी नहीं पता। मैं इधर जल्दी से पैक करके मेडिकेट कर लेता हूँ, तो जो ना अभी छोटा रहे मैं जल्दी से मेडिकेट करके अंदर जाता हूँ, लेकिन मेरे सामने ये एनिमी भाग रहा है, मैं इसको कार से बहुत अच्छी तरह मारता हूँ और मैं फिनिश कर देता हूँ। और आगे भी बंदे लड़ रहे, दिमित्री चालू है, तो इधर भी एक नॉक है और मैं इसको किल दिखा लेता हूँ। आगे इसका पैर दिख रहा है, उसको भी बहुत आराम से मार दिया, इंजेक्शन मार रहा है यार मेरे सामने। अभी हो गए 2v2, तो भाई अगर मैं ये मैच भैया कर देता हूँ तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हो तो फटेक से जाके सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को भी लाइक करोगे। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है, मैं आगे जा रहा हूँ ग्लोअर लगा लगा के, भाई उसको तो रश करना चाहिए यार, अभी तो 1v1 फाइट है तो दूर क्यों भाग रहा है वो। मेरे पास अभी नेड है, मैं इधर नेड करता हूँ, 2 नेड है, मैं जल्दी ग्लोअर लगाता हूँ, ग्लोअर भी फूट गया, दूसरा नेट भी मैंने फेंक दिया है तो थोड़ा डैमेज हो गया वो नेट से, और इधर पीछे भाग रहा है भाई, उसको सीधा रश करना चाहिए यार, पता नहीं क्यों पीछे भाग रहा है। तो मैं जाता हूँ, अगर वो पीछे भाग गया तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया उसको इस कार से। अभी मैं सीधा रश करता हूँ, इधर ही कोने पे खड़ा होगा मुझे पता है, तो मैं सीधा ओरायन बन गया और इधर भाई इसको फिनिश कर दिया बहुत ही आराम से भैया, तो मज़ा आ गया भाई, 16 किलो हो गया। तो डांस देखो कैसा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। थैंक्स दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।